यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर हरियाणा के नारनौन से, जहां पर एक 8 साल की बच्ची के साथ में रेप का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर नारनौन से, जहां 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। घर से उठाकर बच्ची के साथ में रेप किया गया और साथ ही पीड़ित परिवार लड़की को रात के समय में अस्पताल में लाया था। रात में डॉक्टरों ने खाना पूर्ति कर सुबह 9 बजे आने को कहा, यानी रात में जो है बच्ची की जांच नहीं की गई। सुबह ग्रामीणों और सरपंच ने इसकी सूचना दी पुलिस को, जिसके बाद में बिना पुलिस ने के खुद फिर बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे सरपंच और साथ ही एसपी प्रतीक्षा गोदारा ने परिजनों को आश्वासन दिया। गांव के सरपंच ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो ये बड़ी खबर नारनौंद से, जहां पर एक 8 साल की बच्ची के साथ में रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में घर से उठाकर बच्ची को लेकर गया आरोपी, जिसके बाद उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे अजय लोहान, हमारे संवाददाता नारनौंद से फोनलाइन पर है। अजय, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, कौन आरोपी है और कैसे वो आखिर घर के अंदर दाखिल हुआ और बच्ची को उठाकर ले गया? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही घिनौना मामला प्रकाश में आया है। मात्र 8 साल की जो बच्ची थी उसको अपने परिजनों के पास से उठाकर बीती रात को लेके जाया गया। हालांकि बच्ची नींद में थी, इस वजह से उसे पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही वो अपने परिजनों के पास से गई तो उसके बाद उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल जो हांसी की एसपी है प्रतीक्षा गोदारा, वो भी मौके पर पहुंची है और उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि जो भी इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं या अपराधी कहे उन्हें, तो उनको पुलिस का बिल्कुल भी स्कोप यहाँ पर नहीं है और कहीं ना कहीं हमारी जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। जी अजय, आरोपी कौन है इस मामले में? क्या गाँव के ही लोग हैं या फिर रिश्तेदार में से कोई है? देखिए अवंतिका, अगर हम अपराधी की बात करें तो अभी तक ये पकड़ में नहीं आया है कि अपराधी कौन है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है, किसने इस बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी की है। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे लगा हुआ है, एसपी खुद यहाँ पे मौके पे आई हुई है, सीन ऑफ क्राइम की टीम यहाँ पे आई हुई है, सीआईए की टीम है वो भी यहाँ घटनास्थल पे आई हुई है और इन सब का यही कहना है कि हम इस कार्रवाई में लगे हुए और बहुत जल्द अपराधी जो हमारी पकड़ में होगा। जी अजय, बच्ची की तरफ से कोई बात जो है सामने आई हो, कौन जो है बच्ची को बहला फुसला कर ले गया, क्योंकि 8 साल की बच्ची है तो लोगों को पहचानती भी होगी, रिश्तेदारों को पहचानती भी होगी? अवंतिका, अगर हम बच्ची की बात करें, बच्ची ही नहीं बल्कि पूरा परिवार सहमा हुआ है क्योंकि बच्ची डरी हुई है ऐसी घटना जो उसके साथ हुई है। उसके बाद परिजन भी काफी सहमे हुए हैं क्योंकि वो इतने गरीब लोग हैं कि उनके पास रहने के लिए मकान तक नहीं है। पिछले 30 सालों से वो ऐसे रह रहे हैं तो उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी प्रकार की अगर उनकी तरफ से कार्रवाई करवाई गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपराधी उनको और ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो कहीं ना कहीं जो बच्ची है या उनके परिजन है वो सब सहमे हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय लोहान तमाम जानकारी के लिए। तो एक 8 साल की बच्ची के साथ में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया।